सहारा इंडिया के निवेशकों को मिली बड़ी खबर के साथ खुशखबरी, पैसा मिला। सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में कई वर्षों से फंसा हुआ है लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसी को लेकर निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है निवेशकों का भुगतान हर हाल में पूरा ब्याज के साथ किया जाएगा, क्योंकि निवेशकों के परेशानियों को देखते हुए सरकार इस पर जबरदस्त एक्शन ली है। और बताया जा रहा है किसी महिला ने 48 घंटों के भीतर 3 लाख रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे निकाले हैं। उन्होंने क्या प्रोसेस किया, कैसे क्या क्या किया, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस पोस्ट में देने वाले हैं। निवेशकों का भुगतान घर बैठे नहीं हो पाएगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, यही इस महिला ने किया और इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। बताया जा रहा है एक महिला का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था, जिंदा मैच्योरिटी कब का पूरा हो गया लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था। तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक पत्र सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास लिखकर भेजे, जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला परेशान होकर अपने जिला के DM के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाए, उसके बावजूद भी उनका पैसा व का भुगतान नहीं किया गया। तब उन्होंने कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बातों को रखा और बताया गया कि आपका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। महिला इस बात को रखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि इस महिला का पूरे हुए मैच्योरिटी का पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाए और इस महिला का पैसा ब्याज सहित पूरा भुगतान किया गया। सहारा निवेशकों को पैसा न मिलने के कारण दिन पर दिन लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। इधर झारखंड में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, इसकी वजह से वहां के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए।